लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना हो। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। जिंदगी, जिंदगी और हम, कभी हम जिंदगी के आगे होते हैं और कभी ये जिंदगी हमसे आगे होती है। बहुत कुछ छूट जाता है और बहुत कुछ मिल जाता है इस भागम भाग में, लेकिन बस रह जाती है तो दोस्तों की यादें। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हम तीनों की है। 1 साल पहले हम साथ थे और शायद अब होने वाले हैं। My name is Uddesh Prajapati. I'm 28 years old. I'm from Ghazipur. Sir, आप एक चांस दीजिए मुझे, एक धांसू सा रोल मिल जाए तो। ए, तेरे लिए इस फिल्म में कोई रोल नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, मुझे ना एक काम दे दीजिए सर, मैं स्पोर्ट बॉय भी बन जाऊंगा सर। उद्देश्य नाम है तेरा, तेरे जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं? गेट लॉस्ट। मैं हूं रॉक डांसर, मिथुन का नंबर 1 फैन। कल का होने वाला स्टार यार। देख भाई, तू स्टार बन या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपने रोकड़े से मतलब है, किराए से, समझा तू? देखो शर्मा जी, आपकी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो सोचो। कलाकार की कुछ इज्जत है यार यहाँ पे। इज्जत? अभी दिखाता हूँ तेरी इज्जत। क्या क्या कर रहे हो? ये रही तेरी इज्जत। अरे कुछ क्या कर रही है? किसी ने देखा तो नहीं ना यार, इज्जत का भाजीपाला कर दिया साले ने।
तेरी। 440 वोल्ट का झटका। मैं हूं राहुल, इस कहानी का सूत्रधार। जब भी कुछ खाने को जाता हूं ना कोई कुत्ता जरूर आ जाता है। लगता है राहुल भाई ना आ गए हो। पापड़ चिपा देता हूं। पहचाना नहीं। क्यों? तू कोई इलाज है जो तुझे पहचानूंगा? सीधे सीधे बता दे तू कौन है। कूल ब्रो कूल। मैं अभी आपने कल OLX पे ऐड दिया था ना कि आपको अपने रूम के लिए एक लड़की नहीं एक लड़का चाहिए। आ जा जा भाई अंदर आ जा। अंदर आओ, ये देखो हमारा रूम नहीं जन्नत है जन्नत। अच्छा यार भाई हमने कल रात को ही डाला था। टेक्नोलॉजी देखो कितनी कमाल की हो गई है। कल रात को लड़का मांगा था आज रात को हो गया। भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक मिनट आप कहना क्या चाहते हो भाई? अबे ओ भाई गलत मत समझो, मैं कह रहा हूँ कि हमने रात को ही OLX पे डाला था, आज रात आप आ गए। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। क्या कर रहा भाई? भाई बाल कैसे सेट किए? लड़की से फिट के आया क्या? नहीं तो समझ गए। क्या तूने ना बिजली के स्विच बोर्ड में ना उंगली की होगी। ओ भाई आप कुछ ज्यादा इजी ले रहे हो मेरे को। आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं हूँ अभी। अभी कौन? मिथुन का नंबर वन फैन, द रॉक डांसर। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना। बाद में देखेंगे। क्या ना, बाद में देखेंगे बाद में। अच्छा तू आ गया हमारा घर देख, फ्लैट देखा भाई कैसा लगा? फ्लैट तो बहुत जोर से लगा, मतलब बहुत अच्छा है यार, है ना? पर क्या भाई? पर यार बाथरूम में ना पानी अपन को डबल लगता है। क्यों? क्या है ना आजकल पेट थोड़ा खराब चल रहा है। बस ये समझ लो कि ट्रेन जो है ना सिग्नल तोड़ के बाहर निकल जाती है। तो भाई तू लाल झंडी पहन ले। मतलब? अरे लाल लंगोट बांध ले ना, उसके सामने अच्छी अच्छी गाड़ियां रुक जाती है। ओ, अच्छा था। ओ भाई तू मेरे होते हो ना टेंशन मत लियो, बाथरूम में पानी तसल्ली से आता है, तू तसल्ली से अपना सारा गम निकाल ले। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि रेंट क्या लोगे? रेंट तो भाई वो ना राहुल जी आके बताएंगे। राहुल जी? वो देखो आ गए राहुल भाई आ गए। कौन है ये भाई? ये ना वो कौन दूध वाला? अरे उससे बोलो कि 13वें महीने की 32 तारीख को आए। ठीक है भैया आते हैं। हाँ? अरे हम दूध वाला नहीं हूँ, दूध वाला नहीं हूँ। अबे तू है कौन फिर? मैं हूँ अभी मिथुन का नंबर वन फैन, द रॉक डांसर। कौन भाई? हाय आई एम अवी द रॉक डांसर। अबे हाथ छोड़। माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना ही होगा। सॉरी भाई तुम दोनों के अंदर का ना कलाकार देख के अपने अंदर भी शाहरुख जाग गया। अरे वाह वाह वाह, आओ आओ चलो बैठो आओ भाई। लेकिन एक बात तो है, आप लोग बंदे बड़े मस्त, अपनी खूब जमेगी कोई शक। अच्छा भाई ये तो बता दो रेंट क्या लोगे? अरे अभी भाई ऐसा है कि 10,000 रुपये पर मंथ अपना रेंट है और केवल 50,000 रुपये डिपॉजिट। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं।
ये लो भाई, पूरे 30,000 हैं। गिन ले भाई, गिन। ओ भाई होश कर ले, होश। क्या दे रहा है ये? क्या हुआ भाई? भाई क्या दे रहा है? इसके अलावा चेवाइज बना के उड़ाते हैं, तू हमें दे रहा है? नए नोट चाहिए हमें, नए, वो रंग बिरंगे, गुलाबी, अरे पीले, वो कौन से आते हैं? अरे वही सतरंगी। हाँ वो नोट चाहिए भाई हमें। अरे भाई ऐसे नोट ना हम अभी एक बोरे गंगा में बहा के आए हैं। इतने सारे? देखो भाई आप लोग गलत समझ रहे हो, पैसे मेरे पास हैं, पर प्रॉब्लम ये है ना, एटीएम में पड़े हुए, और एटीएम कार्ड गुम गया है। अरे तो भाई चेकबुक होगी? भाई चेकबुक साथ में थी ना, एटीएम के दोनों साथ में गुम गए। पासबुक रखता कौन है इस जमाने में? अबे तो ऑनलाइन कर देना, नेट बैंकिंग ऑन नहीं है ना। वो तेरे पे पैसे है नहीं है भाई? पैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, 4-5 दिन लगेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, 4-5 दिन में जैसे ही पैसे मेरी जेब में आए मैं तुरंत आपकी जेब में डाल दूंगा। ये कौन सी हमारी जेब हो गई? नहीं नहीं ये मेटाफोरिकली आपकी जेब है, सपोज करो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चल छोड़ यार, 2-4 दिन में पैसे का इंतजाम करके दे देना। ओके okay? हाँ पक्का पक्का दे देगा ना? हाँ ओके डन। अच्छा भाई एक बात बता, तू गांव से आया है, कुछ मीठा वीठा लाया है या ऐसे ही आ गया? भाई मीठा तो नहीं है, पर हाँ कड़वा जरूर है। कड़वा? ये लो देसी दारू होममेड हमारे गांव की, ये लीजिए। वैसे यार अभी भाई मैंने तो आज तक दारू पी नहीं है, पर आज तेरे आने की खुशी में ना आज तो 2-2 पैक बनते हैं। भाई तुम इतनी जिद कर रहे हो ना, तो भाई एक पैक तो मैं भी लगा ही लूंगा। भाई आज तक मैंने कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाया। बड़े चावल लोग हैं। कोई बात नहीं भाई, कौन सा मैं अकेले पीने वाला था, तीनों भाई बैठ के पी लेंगे 2-2 बूंद जिंदगी की। है अभी तू शक्ल क्या देख रहा है, जाके ग्लास लेके आ। हाँ भाई अभी लाता हूं। चखना। ओहो नो नो, पिक्चर तो अभी बाकी है। ओह नो 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 नो, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। मेरी पिछले साल की कहानी ना ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। यार हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं, रात को लगता है ज्यादा पी ली थी यार ये चाचा के चक्कर में। चाचा चाचा, ए भाई उठ जा भाई, अरे चाचा आने वाला है, उठ जा भाई। राहुल भाई आप जाओ मैं उठ जाऊंगा। अरे उदेश चाचा आने वाला है। चाचा? हाँ चाचा। ए अभी चाचा आने वाले, भाई उठ जा। अबे कौन सा चाचा, मेरा बाप इकलौता था। समझा इसको, उठा। मेरा चाचा। चाचा चाचा ऑफिस के लिए। अच्छा निकलता हूँ, हाँ बाय। चल भाई मैं भी ऑडिशन के लिए निकल रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय। भाई मैं अकेला चाचा को कैसे संभालूंगा? अबे वो तेरा चाचा है, तू ही संभाल। अरे कमीने, अब क्या करूँ? आइडिया। ये लगा घर का लॉक, चाचा आएगा और भाग जाएगा। ये है सबके बाप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है सबके चाचा, यानी बनारसी चाचा।
या तो ताला लगा के चला गया। कोई बात नहीं है, मेरा भी नाम नथू बनारसी है। मैंने तो बड़े बड़े एटीएम के ताले खोल दिए हैं, ये ताला क्या चीज है? लो स्टार्टी, कम नियर कम नियर। क्यों माला? इसमें से रॉकेट निकाल, मुंह में डाल और आग लगा ले। जब तक मैं बीड़ी ना पी लूँ ना, तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता। जी। और तुम साले राहु और केतु, जी? जब से मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी कोई कदर ही नहीं करते। वरना लोग पहले मेरे नाम से इतना डरते थे कि दूर से ही सलामी ठोक के जाते। कोई बात नहीं उस्ताद जी, वो देखो नया छर्रा आ रहा है। देखो देखो छर्रा अभी आएगा और आपको सलाम ठोक के जाएगा, देख लेने का। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा सर। जा रहा है? हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी। उतादी, ये तो आपको बिना सलामी ठोकते ही निकल गया। कौन है जो मेरी एरिया में बिना मुझे सलामी ठोक के गया है? बुलाओ जरा उसको इधर। तो ओ छर्रे, इधर देख। हाँ, तुझसे बात कर रहा हूँ। किधर जा रहा है मुंह उठा के? चल इधर आ, आ आ जा बेटा, आ आ आ आ। किधर मुंह उठा के जा रहा है? चल इधर देख, उस्ताद जी बैठे ले, सलाम ठोक और निकाल, वरना सड़क लाल हो जाएंगी, समझा क्या? क्या बे, चमगादड़ों की औलाद, अगर मारूंगा ना थप्पड़ तो उल्टा लटक जाओगे। और क्यों भाई, तुम पान गुटखा ज्यादा खाते हो क्या कि थूक थूक के लाल कर दोगे? पान गुटके से नहीं, तेरे आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्सल से इस सड़क को लाल कर दूंगा। चल जल्दी से सलामी ठोक, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। भाई अरे भाई भाई भाई, इतनी सी बात है ना, सलामी ही ठोकनी है ना भाई, मैं अभी सलामी। उस्तादी उस्तादी उस्तादी, वो तो तोते आपको निकल गया। अरे क्या बोल रहा है यार? अरे उस्ताजी गलत मत समझो, वो आपको बोल रहा है कि वो आपको ठोक के चला गया। अब यहाँ पे लाशें बिछेंगी, लाशें। उतादी लादे, किसकी? उसकी या हमारी? लगता है चाचा लॉक देकर भाग गया। हेलो ओ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है बाहर खड़ा खड़ा? भाई मैं लोक लगा के ना बाहर गया था, कहीं चाचा आत्मघाती हमला ना कर दे। अबे तेरा चाचा है कि लादेन? मैंने खाना ऑर्डर किया था, वही आया होगा। खाना? चलो भाई, बड़ी भूख लग रही है, खाना किधर है? अबे चुप करना, तुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? भाई लगता है आवाज ना ऊपर से आ रही है। क्या बात कर रहा है, चोर वोर तो नहीं है ना? चोर घर में? अबे चल के देखना। चलना भाई तू देखना। अबे चल तू आगे भाई, चल तू चल, मैं तेरे को बैकअप देता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है। जय हनुमान ज्ञान। अच्छा आराम से चलना। हाँ, तू चलना।
आराम से आना। अबे ये बुड्ढा कौन है यार, डिग्गी तोड़ दी बे। भाई ये बुड्ढा नहीं, बनारसी चाचा है। चाचा, चाचा जी मैं चोर नहीं चाचा। और जिसकी रजाई में आप रुई भर रहे हो ना, वो मेरा दोस्त राहुल है। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। डिग्गियां तो हमारी टूट गई। ओ छड़ो यार, चाचा बड़ी चालू चीज था, घाट घाट का पानी पी के आया था, वो हमारा भी बाप था। ओह, पास्ट के चक्कर में मैं अपना प्रेजेंट ही भूल गया। ओ खुदा, तू आज मेहरबान, बंजर जमीन में तूने फूल खिला दिए। अब तो सेलिब्रेशन बनता है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेशन। ओ माय बडीज, तुम लोग कहाँ हो? अबे क्या यार, हर वक्त गलत नंबर फोन करता है, सारा गेम खराब करा दिया इसने। हेलो हेलो। हाँ ओ ऑल इन वन, किधर है भाई तू? घर पे होऊंगा और क्या होऊंगा। आजा, आज तुझे पार्टी देता हूँ, और उस अभी को भी लेके आना सीधा ग्रैंड सलाम में। क्या कर रहा है? पार्टी, वो भी ग्रैंड होटल में? अब सेलिब्रेशन का टाइम है, धमाल बचा देंगे धमाल। चल रखता हूँ, बाय। क्या बात है। अरे मैंने कहा तो था कि हम जरूर मिलेंगे। Say thanks to me, because अगर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं करते और या फिर मैं यहाँ पे नहीं आती तो हम मिल नहीं पाते। अरे यही तो किस्मत है, आई मीन इट्स अ डेस्टिनी टू मीट, इसलिए हम लोग मिल गए। और जब से मैंने तुम्हें देखा, मेरे दिल ने कहा कि ये हसी, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। तुम शायर भी हो? हाँ थोड़ी बहुत शायरियाँ तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन लेकिन मेरा दिल कुछ कहने को उतावला हो रहा है और वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या? ये बात समझो, दिल की बात दिलवाला ही जाने। I think I know it. It's only three magical words. I love you. अरे मैं भी तो यही कहना चाहता था। I love you, इशिता। ख्वाहिशे मुझसे कहे कि कुछ तो होने लगा, कह दूं तुझसे चुप रहूं या हर पल ख्वाब सा। ख्वाहिशे मुझसे कहे कि कुछ तो होने लगा, कह दूं तुझसे चुप रहूं या हर पल ख्वाब सा। मेरा था जो भी अब तेरा हो गया, ख्वाबों में जो था वो सच में हो गया। तू ही तो रास्ता मेरा, तू ही तो राजदा मेरा, सोचू तुझे ही मैं हर पल अब तो शाम और सुबह। तू ही तो रास्ता मेरा, तू ही तो राजदा मेरा, सोचू तुझे ही मैं हर पल अब तो शाम और सुबह।
चल हो जाए सबसे परे। आँखों में जो तू बस गया, अब देखो मैं और क्या। कल तक जो था दिल ये मेरा, अब ये तेरा हो गया। तेरा था जो भी, अब तेरा हो गया। ख्वाबों में जो था वो सच में हो गया। तू ही तो रास्ता मेरा, तू ही तो राजदा मेरा। सोचूं तुझे ही मैं हर पल, अब तो शाम और सुबह। तू ही तो रास्ता मेरा, तू ही तो राजदा मेरा। सोचूं तुझे ही मैं हर पल, अब तो शाम और सुबह। अबे राहुल का तो वेट कर लेता, तू आधे टूट पड़ा इस पे। अबे तेरा नाम उद्दू नहीं, तेरा नाम फुद्दू होना चाहिए था, समझा? अबे साले खाना देख, हाँ? अपना खाना है, अपनी पार्टी है, कमाल करता है। अबे बेशर्म इधर टूटा पड़ा है, राहुल का वेट कर ले, मैं बोल रहा हूँ। देख भाई, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई, समझा? खा चुपचाप। ऐसी बात है, हाँ। तेरे से ज्यादा खाता हूँ, देख। अबे अपना खाना भंगी। अबे सुन, ये फोन काट रहा है, मैसेज दे रहा है मोन दवे, मैं बता रहा हूँ ये फंसवाएगा। भाई क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, हाँ? और तेरे को लेनी है, ले मुझे क्यों दे रहा है बे, हाँ? एटलीस्ट मुझे तो इस ग्रांड पार्टी में, इस ग्रांड होटल सलाम में कम से कम मजा तो ले लें दे। बात कर रहा है ओ भाई, डिनर हो गया है, अब कैसे टाइम पास करेगा भाई? तू एक नंबर का ना, स्टूपिड है, स्टूपिड। क्यों? अबे साले कभी 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल में खाना खाया है? नहीं खाया ना, तभी। अबे हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं ना, जो खाना खाने के बाद मीठा मंगाते हैं, डेजर्ट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ अभी मंगाता हूँ। ओ बोला ना हाई प्रोफाइल। ए वेटर, वेटर कहाँ गए भाई? जी सर। सुनो, सबसे पहले तो 4 मंजिला आइसक्रीम लाओ, ठीक है जी। तू कौन सी खाएगा बे? गुलाब जामुन। अबे गुलाब जामुन आइसक्रीम नहीं होती बे। इसके लिए गुलाब जामुन लाओ, मेरे लिए आइसक्रीम लाओ 4 मंजिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, केसर पिस्ता, और वो कौन सी होती बे, पीली पीली? मैंगो। चुकर, मैंगो जा। ओके सर। और जल्दी आना। ये नहीं, अपना हो गया। ये तो हमने ऑर्डर नहीं किया। बिल है सर। देख ली sir, no problem at all. You like our hotel food? Wonderful food. Yes sir, super, world class, 5 star. Thank you. बोल दे, बता दे। Actually sir, problem ये हो गई sir. हैं? Actually हमारे दोस्त की birthday party. हाँ. वो आने वाला था. पर वो आया नहीं अब तक. तो बिल, वो देने वाला था. Yes sir. No problem at all. ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसी बेवकूफी मैंने भी एक दफा की थी। की थी? अरे वाह सर। No problem at all. आप बिल साइन कर दीजिए और तशरीफ ले जाइए। सच्ची? अरे वाह यार, पेन? अरे पेन दो भाई। थैंक यू। आप सर मारे सर। अब पहले क्यों नहीं मिले? ये ले। थैंक यू सो मच सर।
आप तशरीफ ले जाइए। वेटर, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ और अच्छी तरह से ले जाओ। जाओ, ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अबे भाई क्या बताए, वो मैनेजर इतनी कुत्ती चीज था। अबे यार इतनी मीठी मीठी बातें करके अबे कहीं का नहीं छोड़ा। साला बोलता रहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे अबे यार क्या बन के आए थे और क्या बना के भेज दिया यार। ओह माय गॉड, वैसे हैंडसम लग रहे हो तुम लोग। माँ कसम जो सेल्फी भेजी थी ना उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो तुम दोनों। अरे किसी की नजर ना लग जाए। ये मजे ले रहा है देख। अरे नहीं भाई, तू भाई नहीं हमारा। अरे क्या हो गया बताना। वो मैनेजर बोला नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या हाल बना दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं जाता हूँ और उसे सबक सिखा के आता हूँ। ओके, टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना। तुम लोग रुको, नहीं मेरा मतलब चुपो। अब मैं जा रहा हूँ उस नो प्रॉब्लम एट ऑल के पास। ए भाग भाग भाग। मैनेजर, मैनेजर, नो भाई बैग मैनेजर। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे खाने में कॉकरोच है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बचाओ मुझे कोई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सारे ग्राहक भाग जाएंगे। इतना बड़ा होटल, भाग के कीड़े मकोड़ों वाला खाना खिलाते हो। दारू, 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 दारू लेके आओ। उसी से ये बचेगा। दारू, दारू, दारू लाओ। अरे अरे मैं मर जाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पैसे, पैसे दवा के लिए पैसे। हमारी भूल को बाहर मत बताइए, सारे ग्राहक भाग जाएंगे। मैनेजर, मैनेजर, वो जो दो लड़के बाहर बिना कपड़ों के खड़े हैं, उनके कपड़े चाहिए मुझे। कपड़े, कपड़े लाओ जल्दी, दर्द के मारे पेट फटा जा रहा है। जल्दी कपड़े लाओ, अरे उनके कपड़े लाओ, मंगाओ। थैंक यू, थैंक यू। वैसे मैनेजर, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। थैंक यू, ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू, थैंक यू मैनेजर। You carry on, nothing happened. No problem, no problem. कहा था ना मैंने, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। देखा कैसे मैंने उस मैनेजर की छुट्टी कर दी। हाँ भाई ये बात तो है, मजा आया। No problem at all. No problem at all. देखा हमसे टकराने का नतीजा। अबे सब खत्म कर दी। हेलो, आ कौन? चाचा जी आप मुंबई आ रहे हो? अबे ये क्या? हेलो 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 हेलो। अबे ओ भाई ला दे यार इधर। अबे अबे क्या हुआ? अरे अरे आराम से भी भाई, क्या हुआ? अबे यार चाचा जी मुंबई आ रहे हैं। हैं? अबे मुंबई? अबे अभी तो आए थे तेरे चाचा जी। अरे वो चाचा नहीं, ये चाचा इलाहाबादी हैं, ये आ रहे हैं। मेरे पांच चाचा हैं। तेरी तो, तुझे याद है ना पिछली बार तेरा चाचा आया था और कितना कबाड़ा किया था, तुझे याद है ना? याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। पागल बना दिया था उसने, याद है ना तुझे? चाचा बनारसी। हाँ चाचा बनारसी। अच्छा तो ये है तेरे चाचा बनारसी। अबे इनकी एंट्री ऐसी है तो इनका एंड कैसा होगा? बेटा हमारी तो एंट्री होती है, एंड तो अभी तक हुआ नहीं है। अरे बेटा उद्धू, तूने जो खाना मंगवाया था ना, मजा आ गया खा के मां कसम।
हाँ? इसका मतलब कि बुढ़ा सारा खाना खा गया। याद आ रहा है तेरा प्यार। भाई ये कौन से ग्रह का प्राणी? भाई माँ नहीं चाचा है? ये है बनारसी चाचा और अपना 20 दिन यही रहेंगे। 20 दिन? अरे 20 दिन क्यों बेटा, मैं तो तेरे लिए सारी जिंदगी निकाल दूंगा। अरे चाचा जी, आपकी जिंदगी ही कितनी बची है, आप 20 ही दिन निकाल लो। वैसे भी हम बहुत टेंशन में हैं पहले से। अरे बेटा क्या टेंशन है, हमको बताओ, हम 1 मिनट में हल कर देंगे, बहुत तरीका है हमारे पास। चाचा जी हाथ ना बहुत टाइट है और ना हमारे पास रेंट भी नहीं है देने को और ना ही कोई काम है। अरे तुम तो फोन पे बोल रहे थे कि आ जाओ ऐश करेंगे, तुम लोग तो भूखे मर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो, हम है ना, हम ऐसा ऐसा आइडिया देंगे, इतना स्कीम है हमारे पास कि तुम लोग ऐश करोगे। अबे इधर, तेरा चाचा तेरे जैसा फेंकू तो नहीं है ना? चाचा जी स्कीम ऐसा है कि तुम लोग एक काम करो, क्या तुम तीनों ना किसी अमीर घर की लड़की को पटा लो, वही तुम्हारे घर का सारा खर्चा चलाएगी और तुम लोग ऐश करना। अबे जवानी में हम भी यही करते थे। अच्छा, कभी बिमला के साथ शिमला, तो कभी मिली के साथ दिल्ली, तो कभी कश्मीरा के साथ कश्मीर, एक रांझा कई ही। अरे चाचा जी ऐसी स्कीम तो बच्चे भी दे दिया करते हैं। बच्चे भी दे दिया करते? चाचा जी पर लड़की पटेगी कैसे? वैसा है कि अभी तो मेरे वॉक करने का टाइम हो गया है, वॉक करने जाते हैं, वहां से पान भी खा लेंगे, वॉक करके जब आएंगे तब तुम लोगों को बताएंगे लड़की पटाने का गुरु मत, ठीक है? तो बेटा हमको शाबाश, आज जैसे तुम लोगों ने मुझे उठाया है, भगवान एक दिन तुम लोगों को भी उठाएगा। क्या बोल रहा बेटा? वैसे चाचा जी स्कीम तो बड़ी अच्छी ही बता रहे हैं। यार मुझे भी लगा अच्छी है। अब ढूंढो कोई अमीर लड़की और बजा दो शादी का ढोल और कर दो चाचा का बिस्तरा गोल। ओ भाई पर चाचा को यहाँ से निकालेंगे कैसे, कोई स्कीम सोचना। अबे तेरे चाचा ने तेरे सर पे डंडा मारा है क्या, जो तेरे दिमाग में स्कीम नहीं आ रही है? ये। भाई क्या स्कीम आई है दिमाग में, बताना भाई, डरा क्यों रहा है? अपने काम करते हैं। हाँ, हाँ। चाचा को मुंबई दर्शन के लिए ले जाते हैं। हाँ। और मुंबई के किसी कोने में छोड़ के आ जाते हैं। अरे मुंबई इतना बड़ा है यार, वापस ढूंढते ढूंढते घर का पता हो जाएगा लापता। अरे अरे चाचा भी विलुप्त हो जाएगा 500,000 की नोट की तरह। कल को पान बना चाचा जी। अरे अरे संभाल के। क्या चाचा जी किससे मार खा के आ रहे हो, आपके मुंह से ना खून निकल रहा है। निकल रहा है। अबे जा, अभी तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे छू भी सके। दिल बड़ी है, मैं अपना पान खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा चाचा जी, आप वैसे तो हैं बहुत अच्छे इंसान है ना, जैसे आप उद्देश के चाचा हुए वैसे मेरे भी तो चाचा हुए। ठीक है ठीक है ठीक है, चाचा कह ले, मामा कह ले, कुछ भी कह ले, क्या फर्क पड़ता है इस उम्र में। चाचा जी वो ना हम प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग? आपको ना मुंबई के बीच घुमाएंगे। हम भी रेडी हैं। माँ कसम गांव का बीचों बीच तो बहुत देखा, अब मुंबई का बीच भी देख लो। चलो। क्या बात है चाचा जी, कब घुमाओगे? कल चलिए ना हमारे साथ, क्या करने, मुंबई दर्शन। मुंबई शहरिया तू देख न तू।
बहुत गरीबी है क्या? नहीं तो चाचा जी, क्या हुआ? बच्ची लोग देखो कितना काम कम कपड़ा पहने हुए बिचारी आए आए आए। चाचा जी हा? ये मुंबई का फैशन है, है? फैशन नहीं है। अबे रुक 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 भाई, यही रुक, बस करो भाई, यहीं पे रुक दे, ये साइड पे वहीं पे। हाँ दुकान पे। अरे रुक जा भाई, बस। चाचा जी हा? मुंबई की फेमस पान शॉप है ये। अच्छा, पान खाएंगे? अरे भाई, मुंबई का शॉप हो कि बनारस का शॉप हो, हमको तो पान का शौक है। अरे वाह, चलो खाएंगे जरूर। चलो चलो चाचा जी, आप पान खाओ, तब तक हम ऑटो में आपका वेट करते हैं। पैसे भूल गए घर पे। ए बेटा, तुम्हारे पास तो दूधू को होगा क्या? 50 का नोट है। अरे तो दुदू को क्या करोगे, एक हमको दे दो बेटा, पान खाएंगे, आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। चल 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 भाई चल, अरे जल्दी चल भगाना। लो भाई, तेरा चाचा से जान तो छूट गई। सही कह रहा है भाई, माँ कसम अब वापस नहीं आ पाएगा। हेलो हेलो, एक मिनट भाई। भाई बहुत देर से रोक के बैठा हूँ, नहीं है तो यही निकल जाएगी। सारे एक नंबर के भूखे नंगे इंसान हैं। लो भाई अपना पैसा। भाई बहुत देर से दबा के बैठा था, अब कुछ रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हाँ मुझे तो पता ही तेरी सुसु कैसे निकली आ रही है। अरे तुम फोन रखो ना यार, तुम्हारा बैलेंस कट रहा होगा। चलो ठीक है भाई, आइए, आप ही की तो कमी थी यहाँ पर। सॉरी यार, बहुत जरूरी कॉल। चले घर। हाँ चलो। इसके पास फोन कैसे आ सकता है? साला इसके फोन से तो बैटरी निकाल के मैंने अपने में डाली थी, ये साला मेरे से ही बड़ा चावल है। कम से कम बुड्ढे से तो पीछा छूटा, आप बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन तू पैसे कब देगा भाई? अरे आपको विश्वास नहीं है क्या? क्या भाई, तू बैक गियर क्यों लगा रहा है? भाई आप भी बैक गियर लगा लो। क्यों बे? हम क्यों लगाएंगे बैक गियर? बैक गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि चाचा जी हमसे पहले घर पहुंच गए हैं। नहीं, अरे यार ये बुड्ढा कहां से आ गया यार? भाई मुझे क्या पता, मैंने तो पहले ही कहा था कि चाचा को ना हल्के में मत लेना। अबे तो आप जिंदगी भर बाहर बैठे रहेंगे क्या? कभी ना कभी तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। चलो अंदर चलो। अबे यार अपने ही घर जाने में हमें डर लग रहा है। चलो चलो चलते हैं। चाचा जी। कौन 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 तुम लोग? चाचा जी हम, आप कहाँ चले गए थे? आपको ना कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ आपको ढूंढते ढूंढते ना मेरे पूरे जूते घिस गए। अभी आप नहीं आते ना तो हम सब पुलिस स्टेशन चले जाते। बिल्कुल। बेटा मैं इतनी आसानी से गुम होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरे मुंबई का नक्शा लेके घूम रहा हूँ। मैं तो पहले से जानता था चाचा जी कि आप इतने जीनियस हो, अपने आप आ जाओगे। पर ये लोग है ना, ये नहीं मानते, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा चाचा जी, आप भी काफी थक गए होंगे, एक काम करते ना, सब आराम कर लेते थोड़ा, फिर जी भर के बात करेंगे, है ना? ठीक है ठीक। और क्या, अब तो रात भी काफी हो गई, अब हम सोने जा रहे हैं। हाँ ठीक ठीक बेटा। माँ कसम चलते चलते ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक हाथ मार दो बेटा। ठीक है चाचा जी। चाचा जी आपके पैरों में ना जन्नत है, मन करता है कि सारी जिंदगी यही गुजार दो। इसे कहते हैं संस्कार। बेटा इसी बात पे ना एक दो घंटा दबा दे पैर, फिर बाद में ना सर में मालिश कर देना है। दबा दे दबा दे। मेरा तो दिल करता है किसकी टांगे काट दो, कब तक ये पिलर जैसी टांगे दबाता रहूंगा।
उच्चा उच्चा ओ भाई बुढ़ा अब सो गया है, अपनी टांगे छोड़ उच्चा। भाई क्या बात है। अबे तेरा चाचा बहुत तेज है, लेकिन इसको भगाने का मेरे पास आइडिया है। भाई ये बनारसी चाचा है, इस पे आइडिया नहीं चलते, सोच के पंगा लियो। अबे गधे, तू चाचा के साइड में है या मेरे साइड में? तेरे। अब तू मेरा आइडिया सुन। बता भाई क्या है। देख, हम लोग ना चाचा को भूत बन के डराते हैं। चाचा इतना डर जाएगा कि ये घर क्या दुनिया ही छोड़ देगा। हाँ भाई आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर भाई मुझे रिस्क लेने में ना डर लग रहा है। अबे गधे, तू मेरी बात तो समझना। चल जल्दी से उठ जा, तू अभी को जगा, मैं भूत बंद कराता हूँ। हाँ ठीक है, चल 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 चलना जल्दी। अरे क्या हो गया भाई रात को? भाई पूरा शरीर टूट रहा है, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है। कल बात करते ठीक है? भाई तू बात नहीं समझ रहा है। तेरे समझ की मार। चुप। अबे डर मत भाई, ये भूत नहीं है, राहुल है। राहुल एक भूत रेडी हो गया है, अब हम दोनों भी रेडी हो जाते हैं। अबे तो इसको बोलो ना कब्रिस्तान में जाके घूमे ऐसा बन के, यहाँ क्यों घूम रहा है? वहाँ तनख्वाह भी मिलेगी अच्छी। भाई राहुल तू ही समझा दे इसको कि भूत बन के क्यों घूम रहा है, वरना ये ना पूरी रात पूछे भी निकाल देगा। अबे सुन, अबे लकड़ वग्गा जैसा कान लेके इधर आ। ओ ये मामला है। अरे भाई तुम लोग टेंशन मत लो, मैं रामलीला में भूत बनता था ना, लोग बोलते रह जाते थे भूतनी का क्या भूत है इसकी माँ का। अबे गधे, रात में झूठ मत बोल, तुझे बवासीर हो जाएगी। भाई ये बवासीर क्या होती है? अरे भाई खून के छींटे पड़ते हैं घर में, समझा? भाई फिर उससे क्या होता है? अबे यार अब दोबारा कोई क्वेश्चन पूछा ना तो तेरे मुंह में बैठ के तेरी जुबान खींच लूंगा, समझा ना? अब चल जल्दी से भूत बनते हैं, चल जल्दी। चलो चलो चलो। यही संस्कार दिया है तुम लोगों को तुम्हारे घर वालों ने? एक बुजुर्ग आदमी सो रहा है और तुम लोग बिना जोक के हंसे जा रहे हो? जा सो जा, मुझे भी सोने दो। इतना कैफ सपने में थी। भूत है, तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। ये कच्चा खा के क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे पास तो मांस भी नहीं है, सिर्फ हड्डी है। तुम्हें खाना ही है ना कच्चा, तो यहाँ तीन जवान लड़के हैं, उन्हें खा जाओ। एकदम बोनलेस पीस है क्या? खा जाओ उन्हें, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे पीना ही है तो दूध पियो, जूस पियो, खून पी के क्या करोगे? Excuse me. ओए, ये बुड्ढा तो डर ही नहीं रहा, अब क्या करें? अबे डरेगा डरेगा डरेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखो। ओके। तेरा दिमाग बड़ा तेज चलता है सुना है, मैं तेरा दिमाग खाऊंगा। अब डरने लगा हूँ मैं, बहुत डर लग रहा है तुम लोगों का चेहरा देख के। तो मुझे एक काम करो, उधर मुड़ जाओ, दूसरी तरफ मुड़ जाओ, मुड़ जाना। चाचा लगता है डर गया। मेरा डंडा भी बहुत तेज चलता है। हमको बेवकूफ बनाओ, हमको। Okay.
बात समझ में नहीं आई। इतना शोर हो रहा है, ये तीनों लौंडे नहीं आए बाहर निकल के? कहीं वो ही तीनों तो मुझे भूत बन के नहीं डरा रहे हैं। माँ कसम, तुम्हारी माँ को नमस्ते। अरे ये तीनों तो यहाँ सोए पड़े, कहीं वो सचमुच के तो भूत नहीं थे? होने दो, अब वापस नहीं आएंगे। जिमी 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 आजा 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 तेरा जिमी तो मैं बाद में निकालूंगा बेटे। तुम दोनों वहीं रखे हो पिछले साल में? क्या बात है यार भाई, मैं तो चला। अरे यार अब ये फोन किसका आ गया? आदमी आगे भूत कहा गायब हो गया? यार अपन एक साथ 2018 में गए थे, चाचा से मिले, वापस आए। वापस आए कि नहीं भाई? हम 2018 में 2019 में आए। एक मिनट रुक, चेक करके बताता हूँ। 2019 में चलना। अबे उल्लू के पिल्लू, स्पॉइल्ड मैन, मेरा मतलब है कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ डॉन के तलवार की बेटी की परछाई को भी छू सके, समझाए? फोन ले गए कौन भाई? अबे ओ झंडू, वो गॉड मदर की गॉड डॉटर है, उसको छूने की कोशिश कोई कर भी नहीं सकता, समझा तू? और अगर करेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, बिना मार के और बिना वार के। तो इसके लिए मेरे को टेंशन नहीं देने का, चल रख अभी फोन। उल्लू के पिल्लू। राहुल जगह तो बहुत अच्छी है पर अच्छा राहुल ये बताओ, तुम्हारी कोई लव स्टोरी नहीं रही? कोई चक्कर वक्कर में नहीं पड़े तुम? लव स्टोरी तो सबकी होती है, मेरी भी थी। लोगों की लव स्टोरी में रोमांस होता है, ड्रामा होता है, लेकिन मेरी लव स्टोरी में कॉमेडी थी। कॉमेडी? मेरी लव स्टोरी सुन के तुम हंसोगी जरूर। बताओ ना। चक्कर वक्कर तो मेरा कुछ नहीं था, पता नहीं उसका नाम काया था कि माया था, आई डोंट नो। हम तीनों एक साथ जो बीच में मिले थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम तीनों एक ही लड़की से प्यार कर बैठे। अच्छा। चाल है? अबे शादी के बाद तो तू बिल्कुल ही भूल गया। और बता भाभी कैसी हैं? अबे फोन रख तू, मैं बाद में बात करता हूं।
डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। बस भी करो काया, हम शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं, और वैसे भी तुम तो इतनी हसीन हो, क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें क्या जरूरत है मेकअप करने की? वैसे भी एक काला सा टीका लगा लेना, कहीं नजर ना लग जाए मेरी जान को। अब तू मुझ में इतनी हवा मत भर, कहीं मैं गुब्बारे की तरह फट ना जाऊं। ओके बाबा ओके, लेकिन ये तो बता इतनी तैयारी किस लिए हो रही है? ये मुंबई है मेरी जान, यहाँ पर जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चले बाहर तुम्हें बेचने के लिए, बाहर बहुत खड़े हैं तुम्हें खरीदने के लिए। मैं एक ब्रांडेड गर्ल हूँ, एवे थोड़ी ना मुझे कोई खरीद लेगा। मुझे खरीदने के लिए चाहिए एक ब्रांडेड हाई प्रोफाइल लड़का, क्यों समझी? समझी काया, तेरी माया भी मैं समझ गई। अब चल जल्दी चलते हैं, शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। ओ हाँ, चल चल। काया, हम सोनिया के कपड़े गाड़ी अपने बॉयफ्रेंड का माल समझकर यूज कर रहे हैं, कहीं वो आ गई तो फिर क्या करेंगे? अरे छोड़ ना यार, अब तू देखना मेरे पास खुद की महंगी गाड़ियाँ होंगी। अच्छा तू बस कार ड्राइव करना सीख ले, तुझे मैं ड्राइवर रख लूंगी। तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक तो ऐसा ही 10 की स्पीड से चला रहा हूँ और तू बोल रहा है रुक के क्या रुक के? अरे उस्ताद जी, वो देखो वो लड़का जिसने आपके गाल पर 1 किलो का थप्पड़ मारा था। उस्ताद जी, ततल। चुप। ततल नहीं, कत्ल कहते हैं, कत्ल। रहू के दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ जाओ, मैं मार जा रहा हूँ। अरे तुम कब जाएगा? अबे कौन है? मैं कहता हूँ छोड़ो। अबे छोड़ दे मिथुन की कसम, वरना साले 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। लेकिन दांत तो 32 होते ना बे। मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए मैंने तेरे भी 32 गिन लिए। अबे तेरी तो अरे पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल। ये तो वही लड़की है जो बीच पर थी। हेलो, हाँ भाई, वो मैंने 1.5 करोड़ के डायमंड ऑर्डर किए थे, अभी तक आए नहीं। एक काम करना, 1 किलो सोना और जो है 1 किलो सोना और थोड़ा धनिया, और मेरा मतलब थोड़ा चांदी कर देना। चांदी? और भाई मैंने वो 4 करोड़ तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, मिले या नहीं मिले? क्या स्मार्ट बंदा है यार। काया ये तो ना मुझे कोई मुर्गा फंसता दिख रहा है, ठीक है तो इसको फंसा ले यार, तेरी लाइफ बन जाएगी, मैं तुझे बोल रही हूँ। मुझे तो ना ये मुंबई का कोई बहुत बड़ा ज्वेलर लग रहा है। अरे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है मुर्गी, तू इसको पटा ले, मैं तुझे अभी भी बोल रही हूँ, चल जा। हाँ। ठीक है, चल जा। ठीक, अरे एकदम परफेक्ट लग रही है एकदम, चल जा, ऑल द बेस्ट। हाँ, और भी पैसे चाहिए तो बता देना, भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट होल्ड। ओ भाई तू बाद में फोन करियो। जी बोलिए। जी मैंने अभी अभी सुना कि आप सोने का व्यापार करते हैं। करते हैं? मेरी ना कजिन की शादी होने वाली है। वेरी गुड। मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ये सारी ज्वेलरी खरीदी जाए। अरे वाह। आपका नंबर देंगे आप मुझे? क्यों नहीं, लिखो ना। नाइस, किस नाम से सेव करूं? जी मेरा ना उद्देश्य नाम से सेव कर लीजिए, पूरी मुंबई में नाम चलता है। उधारी इतनी ले रखी है। मैडम जरा एक काम कीजिए ना, मिस कॉल दे दीजिए ना मुझे भी। अभी देती हूँ। हाँ, ये मेरा नंबर है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। शिल्पा ये क्या हो रहा है, कितना मजा आ रहा था ऊपर, चलना ऊपर वापस। यार सोनिया का कॉल था,
कह रही थी जो उसने हमें पैसे दिए थे ना घर खर्चे के लिए उसका हिसाब करके अभी दो। What? हाँ। तू इसलिए इतना टेंशन में है? Oh my God! तू सोनिया से इतना डरती है? उसे हिसाब चाहिए ना? हाँ। मैं दे दूंगी, so just chill, okay? अरे काया, समझ गई मैं तेरी माया। लेकिन ये तो बता कि ये जो पीछे मुर्गा आ रहा है खुद ब खुद कटने के लिए, चल बाबा बंगाली हैं? ये इसकी बेटी तो नहीं? तू भी ना यार अभी दूसरी तरह देखा। ओ तेरी, अच्छा तो ये है मैडम का नंबर। चाचा जी मछली फंस गई जाल में। डाले डाले, हाय, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं अभी बोल रहा हूँ। वो कल आपने डांस वर्कशॉप के बाहर मुझे अपना नंबर दिया था ना, याद है? ओ हाँ उद्देशी, पहचाना आपको। कैसे हैं आप? वो ना मैंने ना इसलिए फोन किया था कि अगर आप शाम को फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मैं आपको टाइम और मॉल का एड्रेस व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके रिया जी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ओके बाय बाय, टेक केयर। आज बकरी का पहला दिन है हलाल होने का, कम से कम 5,000 तो बनते हैं। अबे जिंदगी झंड हो गई है मेरी, और बॉस की गंदी गंदी शायरियां सुन के ना लाइफ खराब हो गई है मेरी। क्या क्या सपने लेके आया था मैं, मुंबई में कुछ बनूंगा, बैंक मैनेजर बनूंगा, चपरासी से बदतर मेरी जिंदगी हो गई है। वाह, मेरी सपनों की मल्लिका आखिरकार आज दिखी गई। थैंक यू। ओ भाई, ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है, आज तो मैं इसे बोल ही दूंगा। और ये क्या, मैं सेल्समैन की तरह बनाऊंगा? टाई वही उतारना यार। हाय, आई एम राहुल, नाम तो सुना ही होगा ना। हाय राहुल, सुना है, एक्चुअली कल ही सुना रेडियो पर। अब वही है ना जो दो बच्चों को लेकर भाग गए? नहीं 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 मैडम, मैं वो राहुल नहीं हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। I'm just kidding with you. Oh, thank you. वैसे आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। By the way, I'm Maya. Rahul again. वैसे मैंने नोटिस किया कि आप कुछ टेंशन में लग रही हैं। तू तो तीसरा बकरा है, अभी तो तू हाथ में आएगा। Actually, मैं 8 BHK की ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा। 8 BHK? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा इसे पटाने का। ओह क्या बात है, भगवान ने मुझ जैसे इंसान को आपसे मिला दिया। By the way, मैं बिल्डर हूँ, मैं आपको फ्लैट में पूरे 50% डिस्काउंट दूंगा। Oh wow, thank you so much. Anytime, anytime. वैसे इसके लिए आपको मेरा नंबर लेना पड़ेगा। और हाँ, आप करती क्या हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं करती हूँ ऐश, सिर्फ ऐश। एक्चुअली मेरे पापा ना लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा? वो कमाते हैं और मैं खर्च करती हूँ। या एक्सक्यूज मी, ये बॉस मुझे अभी क्यों फोन कर रहा है? सॉरी, आई गॉट अ अर्जेंट मीटिंग, मुझे निकलना होगा। या श्योर, हम जरूर मिलेंगे। हाँ, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। अभी साला ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसको पता चल गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा यार। हुआ चला गया यार, साले को मेरे प्यार का पता चल जाता। तेरी
आदि खोपड़ा प्रोडक्शन हाउस, तेरी लाइफ बन गई अभी। अब फोन उठाना, देख क्या रहा है। हेलो, हाँ सर। ये साला भिखारी यहाँ कहाँ से आ गया? गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। अरे सर, आप फोटो भेजे तो थे, अब फोटो से खुद तो नहीं निकला। अरे सर, एक बार बात तो सुनी। हेलो। हाय रिया, अवी हियर। मैं आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं? I'm really very sorry, मैं आपको बताना भूल गई। Actually, एक emergency के चक्कर में ना मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। Oh. अभी just मैंने फ्लाइट पकड़ी है, मैं ना कल शाम तक वापस भी आ जाऊंगी, तो हम लोग कल मिले। ठीक है। वैसे प्लेन की आवाज बहुत आ रही है। क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, मैं आपको कल फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखना रिया जी। जी जी जरूर, थैंक यू, बाय बाय, बाय, टेक केयर। कदा कहीं का, इससे गाड़ी की आवाज भी प्लेन की आवाज लगती है। स्टूपिड। एक और। हेलो। रिया जी, आप कहाँ पर हैं? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई उद्देशी, मेरी ना फ्रेंड शिल्पा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसकी वजह से ना मैं आ नहीं पाई आपसे मिलने के लिए। तो क्या हम परसों मिल सकते हैं? ओके ओके ओके, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप जो शिल्पा जी का ध्यान रखिए और अपना भी, हम बाद में मिलते हैं। हाउ स्वीट, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय। डफा, दोनों एक साथ आ गए, कैसे मिल सकती हूँ दोनों से? बेड़े निकालो। बात नहीं समझते हो तुम लोग। जो मजा ठंडे पानी के साथ गरम बीड़ी पीने में है ना, ऐसा टेस्ट दुनिया में किसी चीज का नहीं। उस्ताद जी, ज्यादा बीड़ी मत पिया करो, वैसे ही बीड़ी पी के तुम्हारा मुंह बीड़ी जैसा हो गया है। उस्ताद जी, तुम तो बिल्ली दलाते भाग जाते हो और पितवा हमें देते हो। अबे भागता कौन है, वो तो पेट्रोल खत्म हो गया था। पेट्रोल ना खत्म होता ना तो देखते दोनों की लाशें मिलती आज अखबार में। तो उस्ताद जी, आप कौन सा पेट्रोल देते हो? हैं? एक बकवास बंद करो। उन दोनों की तस्वीर ना नगीना फिल्म की, हाँ, नागिन की तरह तस्वीर मेरी आंखों में छप गई है। अब देख जल्द ही मैं उनका काम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सालो जल्दी से धक्का लगाओ, तेरी फाफी निकल जाएगी। अबे क्या कर रहा है तू? उस्ताद जी, आपकी जान तो निकल गई, हमारी जान क्यों निकाल? अरे सालो बकवास बंद करो, तुम लोगों की वजह से तुम्हारी भाभी निकल गई। जब मार पड़ती है तो 90 की स्पीड से साए 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 भागते हो, और जब धक्का लगाना होता है तो स्लो 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 10 की स्पीड से लगाते हो। उत्तादी उत्तादी, दान है तो दान है। अरे कहां से पकड़ लाया तू तलहे को यार, क्या बोल रहा है यार, किधर है किधर है? अरे वो बोल रहा है कि जान है तो जान है। भाभी तो निकल गई यार। चाय पियोगे तुम दोनों? अच्छा लपन लपन तो लगाओ फिर धक्का। जान ले पाए तेरी भाभी रे। hmm.
रिया का बर्थडे इनविटेशन। माया का बुलावा। आज का चुटकुला। एक गधा सवारी खींचते हुए घोड़े को देखकर हंसने लगा। घोड़ा तुनक गया और पूछा, ए गधे, तू मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? गधे ने जवाब दिया कि मैं तो गधा कहलाता हूँ और बोझा उठाता हूँ, कपड़े धोता हूँ। तू घोड़ा काहे का, तू तो गधों को उठाता है। निया, निया, मैसेज, 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 मैसेज। अबे ओ गधे, तूने क्या मेंढक खा लिया है? ये मेंढक की तरह फुदक क्यों रहा है? जी, इतनी खुशी हो रही ना, बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, मुझसे तेरी हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तू बता दे क्या बात है। चाचा जी, सुबह सुबह मेरी जाने मन रिया का मैसेज आया मुझे। क्यों? उसका आज बर्थडे है, हैप्पी वाला। और उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है उसके बर्थडे पे। अच्छा? यस। तू जाएगा? चाचा जी, जाना तो चाहिए। जा जा। जाऊं? चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश खुश खुश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। हाँ बेटा जी। चाचा जी, आज ना बहुत स्पेशल डे है। अच्छा, पूछा क्यों? पूछा। चाचा जी, आज ना रिया जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। अरे वाह। और उससे भी स्पेशल बात पता क्या है? क्या क्या है? उसने ना मुझे स्पेशल इनवाइट किया है। ओह, अच्छा। तू जाएगा? बिल्कुल, जाना तो चाहिए बेटा। जा जा जा। तो चाचा जी, मैं ना रेडियो के जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। माया मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान, देख के तेरा मैसेज लोग हो गए हैरान। चाचा जी, समझ गया बेटा जी, समझ जाओ, आज तेरी माया का बर्थडे है। हाँ जी। और उसने तुझे स्पेशली बुलाया है। बुलाया है? तू जाएगा? हाँ चाचा जी, मैं तो जाऊंगा ही। जाना चाहिए, जाना चाहिए। जा जा बेटा, जा। ओके चाचा जी, लव यू टू। मैं तो चला बर्थडे एंजॉय करने। तीनों लड़कियों का बर्थडे एक ही दिन, एक ही टाइम। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा। शायद मेरे बच्चों को चाची मिल जाए। ताजी, अभी जितना काम करवाना है करवा लो, क्योंकि अपन तो ये पंटर गिरी छोड़ रहा है क्या? हाँ, उतादी, इतने अच्छा तो मेरा मोती तो दाम था। पहले लोगों के दूतों में मैं ताता लगा रहा था, अब लोग मुझे ताता लगा के चले जाते हैं। कैसा गरीबों वाली बातें कर रहे हो तुम दोनों? मेरे साथ रहोगे तो नाम होगा नाम। अरे उस्ताद जी, रहने दो, नाम तो हुआ नहीं, बदनाम अलग हो रहे ले हम लोग। ओले उस्ताद जी। अबे, मेरे पास पिस्टल आ गई ना तो पहली गोली में तुझे ही मारूंगा, समझा? उस्ताद जी, एक बहुत ही खास बात बताऊं तुमको, तुम्हारी राजकुमारी के बारे में। अबे कौन सी राजकुमारी यार तुम लोग? अरे वही जिसके कारण तुम गधे बने ले फिर रहे हो ना, वही। बताओ ना, मेरी ख्वाबों की मल्लिका कहाँ है? वो रहती है। और आज शाम को उसकी बर्थडे पार्टी मन रही है। लेकिन तुझे कैसे पता चला उसका आज बर्थडे? अरे उस्ताद जी, आज मैं गया था बेकरी पे पेस्ट्री खाने के लिए। वहाँ भाभी मिली थी, वो अपना नाम लिखवा रही थी केक पर, काया। अबे तेरे पाप बेतली, ये पैसे कहाँ से आ गए? आज अपन बदमाशों से मार खा के भाग रहे थे ना, तब उस्ताद जी के जेब में से 10 रुपए गिर गए थे, उसी से पैसे का। अरे सालों, पिछले 2 महीने से वो 10 रुपए के नोट लेके मैं घूम रहा था और तुमने उसको भी उठा दिया। उस्ताद जी, पैसों तो जल्द तोड़ दो, आज भाभी के बदले में जाएंगे,
आप उन तो प्रपोज कर लेना, माला ही माल हो जाएंगे। सही कह रहा है तू। आज की शाम काया के नाम। ठीक या मेरी रिया के बर्थडे के इतने लोग फैन। ओ भाई अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ कोई वेटर की जॉब मिल गई क्या? ओ भाई कौन सा वेटर, कहाँ का वेटर? मुझे मेरी जीएफ ने बुलाया है, बोले तो गर्लफ्रेंड, वो भी फुल। अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे भी जानकर खुशी होगी, मेरी भी गर्लफ्रेंड ने मुझे यहाँ बुलाया है। गाँव बसानी, लुटेरे पहले आ गए। अरे ये दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए? जरूर इनको चाचा ने बताया होगा। हाँ भाई मुझे पता था ये गरीब आपके पीछे पीछे यहाँ पे जरूर पहुंच जाएगा। अबे ओ कौन गरीब, किसके पीछे? अबे मेरे को यहाँ ना मेरी गर्लफ्रेंड ने स्पेशल इनवाइट किया है। पर एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? यार हम तीनों की गर्लफ्रेंड ने हमको यहाँ बुलाया है। अबे कहीं ये तीनों बहने तो नहीं है? बहने? वो देखो तुम्हारी भाभी आ गई। क्या हेयर स्टाइल है यार। वो देखो तुम दोनों की भी भाभी आ गई। व्हाट अ ब्यूटी। भाई तुम्हारी भाभी आ गई, देखो लंबी और स्लिम। कसम तुम लोगों के साथ कुत्यापा हो गया कुत्यापा। तुम तीनों अपनी अपनी महबूबा जिसको समझ रहे हो वो की नहीं है, एक ही है। चाचा जी आप कैसे आ गए यहाँ? बेटा हम तो अपनी तीनों बहुओं को देखने आए थे, मगर वो तो एक ही लड़की निकली। बट अब हमसे ना देखा जाएगा, हमसे ना देखा जाएगा। नहीं 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 चाचा जी, वो सिर्फ मेरी है और मैं अपना प्यार किसी को बांटने नहीं दूंगा। ओ बांटने की बात कर रहा भाई, वो मेरा प्यार है, हीर मजनू वाला प्यार है, मेरा प्यार है। किसका प्यार किसके साथ जोड़ रहा है? वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। और चाचा जी इसके पीछे ना इन दोनों की ना साजिश है। अबे 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 चुप बैठ, बात कर रहा है, कैसी साजिश है? अबे चुप बैठ गया कि नहीं? चुप, थैंक यू। लेकिन आप देखो भी चुप, एकदम चुप। आपस में लड़ रहे कुत्ते हो? आपस में लड़ रहे कुत्ते की तरह। अरे आपस में लड़ने से अच्छा है कि चलो उस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि वो तुम तीनों में से किससे प्यार करती है। ठीक है आओ। चाचा जी सही बोल रहे हैं, चलो उसी से पूछ लेते हैं। चलो आज तुम सबके सामने बता दो कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ रिया आज तुम बता ही दो कि तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। अरे माया कुछ तो बोलो। तो सुनो, ना मैं दिया हूँ, ना मैं रिया हूँ और ना ही मैं माया हूँ। हाँ, ये है काया और ये तुम तीनों भिखारियों में से किसी से प्यार नहीं करती। भाई इसको कैसे पता चला हम भिखारी हैं? और तेज बोल ले, वहाँ अंकल ने नहीं सुना वहाँ पे। मुझे तो पहले दिन से ही तुम तीनों पे ना शक था कि तुम तीनों बहुत बड़े फेकूबाज हो, इसीलिए मैंने शिल्पा को तुम तीनों के पीछे लगा दिया, समझे? बेटा तुमने सही बोला, तीनों के तीनों पूरे भिखारी हैं। माँ कसम इनके चक्कर में हम 1 करोड़ की अपनी जमीन छोड़ के यहाँ आ गए। अरे चाचा जी अपनी बकवास बंद करो। और मैडम काया ये तो बता दो कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार कौन है? मेरे पीछे देखो, मेरा राजकुमार आ रहा है। तो कहाँ है? हाय। आप इससे शादी करेंगी? छी, आपकी इतनी गंदी चॉइस है। छे। इसका मुंह ना किसी बच्चे के पेट के जैसा है। अरे मैडम, आपका दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है तुम तीनों का दिमाग ना जगह से हिल गया है। मैं उन लकड़बग्घों की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे पीछे देखो, मेरा राजकुमार आ रहा है। ये है मिस्टर मोहित मल्होत्रा, ये लंदन में हार्ट सर्जन है और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। रुक जाओ! अबे तुम सिर्फ मेरी हो,
किसी और की हुई तो यहाँ पे लाशें बिछा दूंगा और सबसे पहले उसकी लाश उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा। जाओ पता करो किसके सर पे सेहरा है। उस्ताद जी ये तो सनीपा जी की लाइन है ना। रैट ए एक डायलॉग भी अगर किसी ने मुंह से निकाला तो माँ कसम पान मुंह में डाल के उसके मुंह पे पिचकारी डाल दूंगा। लाते बिछा दो मारो सालो। मारो चिड़ी मारो को मारो छोड़ना मत। गॉड इतने अलग अलग दिशा में भागे समझ में नहीं आया मुझे। वैसे एक बात तो पक्की है तुम तीनों फेंकू बास तो बहुत हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। अरे काया जी वो तो हमें भी पता है कि हम बहुत अच्छे हैं पर सॉरी हमारी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। हाँ काया जी रियली सॉरी आपको ना आपके सपनों का राजकुमार मुबारक। मिटा ये बात तो सही है कि ये तीनों बड़े फेंकूबाज हैं लेकिन हैं बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो हो जाएंगे बच्चे अकलमंद हो जाएंगे है ना। ओ चाचा जी आप फेंकने का कोई फायदा नहीं है बस करो चलो। थैंक यू चाचा जी। रियली खूब हंस रही हो मेरी कहानी सुन के। और क्या पब्लिक भी हंस रही है मेरी कहानी देख के। तुम्हारी स्टोरी है ही इतनी फनी कि किसी को भी हंसी आ जाए। हाँ वो तो है पर एक्चुअली क्या है ना राहुल कि हमारी स्टोरी में कुछ ट्विस्ट है और हमारी स्टोरी सिंपल नहीं है सीरियस है। ट्विस्ट अरे ट्विस्ट तो जाने मन शादी के बाद आएगा। अरे शादी मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे और मेरे बीच में मेरे डैड हैं। डैड? हाँ वो मेरी शादी दुबई के डॉन के बेटे से कराना चाहते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो। डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे फादर यानी तुम्हारे पप्पा जिसे सारी दुनिया गॉडफादर के नाम से जानती है। तुम्हारे फादर को ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ूंगा ना कि वो बस एक ही नाम याद रखेंगे राहुल सर देसाई। I know you are brave and smart, but my daddy? ओहो, don't worry. इतना टेंशन नहीं लेते हैं मैं पूरी कहानी सेट कर दूंगा बस तुम एक काम करो अपनी माँ को बता दो ओके? अच्छा भी मैं चलती हूँ। चलो ओके बाय 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 लव यू बेबी। ओ राहुल 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 इट्स टाइम टू शाइन। डार्लिंग मेरे बिना पी रही हो तुम्हें पता है मेरे बिना है जो पीता फिर और नहीं वो जीता। लेकिन तुम्हारी बात और है तुम तो मेरी वाइफ हो माय बेटर हाफ तुम पी भी सकती हो और जी भी सकती हो। डार्लिंग आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं शेर 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 शिकार करता है पंछी पंछी हवाओं में उड़ते हैं और कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगते हैं और डॉन मेरी डार्लिंग डॉन हमेशा राज करते हैं। ओ शट अप डॉन मैं समझ गई कि शेर शिकार करते हैं और पंछी हवाओं में उड़ते हैं और कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगते हैं।
और बादशाह बादशाह राज करते हैं। तो करने दो ना बादशाह को राज, बट मेरी बेटी की शादी उसकी पसंद के साथ हो जाने दो। देखिए, हमारी बेटी की शादी किसी डॉन के साथ ही होगी, और वो डॉन होगा दुबई के डॉन का बेटा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा पैसे वाला है, इसीलिए। अच्छा, और अगर तुम्हारी बेटी की पसंद तुमसे भी बड़े डॉन की हुई तो, आई मीन अगर वो तुम्हारा भी बाप निकला तो आई प्रॉमिस मैं अपनी बेटी का हाथ उस डॉन के हाथ में दे दूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी किक तलवार से बदल कर कोई चाकू छुरी रख देना। डन। और दिखा दूंगा कि शहर का सबसे बड़ा डेयरिंग बाज मैं हूं, पर इसके लिए मुझको आदमियों की जरूरत होगी। वो आदमी, हाँ, मेरे पास हैं, मेरे दाएं, मेरे बाएं। अबे प्राइवेसी नाम की चीज होती है नहीं होती होगी मुझे नहीं पता, मुझे बाहर क्यों बुलाया? ये देख पसलियां टकरा टकरा के दिल से टकरा रही है। अरे बता ना हुआ क्या है? तू ये नहीं चाहता कि तेरा बहुत बड़ा नाम हो, तू एक बहुत बड़ा डांसर बने, गोविंदा की तरह, मिथुनदा की तरह, और वो ऋतिक की तरह, नाम हो, फेम हो, लड़कियां तेरे पीछे अभी अभी कह के चिल्लाएं, ऑटोग्राफ के लिए पागल हो जाए, अभी अभी अभी, तू सोच। यार ऑफ कोर्स बनना चाहता हूँ यार, बस एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए ना। तू देख ये बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाने दे, फिर बनूंगा मैं स्टार, दोबारा बना दूंगा देखना। हो जाएगा हो जाएगा, अबे तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। काश तेरे पास पैसा होता, थोड़ा नहीं बहुत सारा पैसा। यार मेरे पास तो सिर्फ सपने ही हैं यार, ड्रीम्स। अबे तेरे सपने सच करने के लिए ना मैं हूँ ना। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ यार, तेरे सपने चुटकियों में पूरे हो सकते हैं, तू अगर चाहे तो तू सेलिब्रिटी बन सकता है। कैसे? मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है, सॉलिड। क्या? अबे अपन लूटेंगे लूटेंगे। लू लू लू? अबे लू 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 नहीं, लूटेंगे लूटेंगे। आज हम कैसीनो लूटेंगे, आज रात वहां की सारी दौलत हमारी होगी, हमारी। अबे तू दोस्त है कि दुश्मन है? साला सीधा पाताल नगरी में जाने का रास्ता बता रहा है, भाड़ में जाने नहीं बनना हीरो। अबे दोस्त ही हूँ गधे, मैंने कौन सा पहले कुछ लूटा है? जरा सोच, एक तरफ तेरी कचरा लाइफ और दूसरी तरफ नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। ना ना तेरे से नहीं होगा। होगा ना यार, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने उस तक डकैती नहीं किया। अबे मैंने भी कौन सी लूटिंग की है? तू सोच, जस्ट इमेजिन, तू एक बहुत बड़ा रॉबर है, खतरनाक डाकू, खतरनाक डाकू। आगे डाकू भाई बता क्या करना है, बाकी का प्रोग्राम बाद में बताता हूँ, समझा? मिलते हैं थोड़ी देर में, चल बाय। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मम्मा आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। मम्मा ही सो टेरेबल हैंडसम, उसको कोई भी लड़की ना नहीं कर सकती। मम्मा आई लव हिम अ लॉट, बहुत प्यार करती हूँ उससे। अरे तू ही उसे पसंद करती है या वो भी तुझे पसंद करता है? ऑफ कोर्स वो भी करता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तो इतनी सी, पर इतनी है। तू अपने पापा की चिंता बिल्कुल मत करना, तू उस छोकरे को बिंदास होके बुला ले, तेरे पापा से मैं बात कर लूंगी। अगर वो गॉड फादर है तो मैं भी गॉड मदर हूँ। क्यों? मेरी भी फट गई थी जब मैंने इसे पहली बार ड्रामा कंपनी में देखा था। नकली है बे, नकली। ले पकड़ इसे। तू सोच, अगर ये असली होती
ड्रेस भी आ गई है। ड्रेस? हाँ, रॉबिन हुड वाली ड्रेस। रॉबिन हुड क्यों? वो जैसे अमीरों को लूट के गरीबों में दान करता था, आज उसी दौलत से हम अपनी गरीबी दूर करेंगे। अच्छा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे मैंने तो एल्बम का नाम भी सोच लिया, कल ही के कल रिलीज करूंगा, नाच अभी नाच। और उद्देश्य? दो से भले तीन। अबे करोड़ों की दौलत में तीसरा हिस्सा मेरा। अबे तू तो पूरा रेडी हो क्या है अबे? रही है खली पली, बिना बात के घूमे भैया पगले आजम गली गली। इसकी टोपी उसके सर करने में इनकी शाम ढली, महफिल से जब जाए आलम सब कहते हैं बला टली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तुम भी मजे लो ना।
इसी चक्कर में बेवड़ा बना घूम रहा है। अबे ओए, ए, क्या? अबे मैं कथे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इस खूबसूरत हसीना का खूबसूरत सा नाम क्या? हसीना के नाम की पड़ी है और मुझे प्लान। मेरा नाम उद्देश है। उद्देश मीन्स मिशन। मिशन इसको देख के मैं अपना मिशन ही भूल गया। तो मैं क्यों पीछे रहूं? अबे एक तो तूने दारू पिया और लट्टू बना घूम रहा इसके पीछे। अबे तुझे बोला ना चल बाहर। अरे इधर आ भाई। हाँ बोलना। तूने कभी हीर मजनू की कहानी सुनी है? नहीं सुनी। जा यार। अबे रोमियो जूलियट की तो मुझे पता नहीं। अबे तो तू सुन, आदम हव्वा को तू जानता है क्या? हव्वा को बाहर निकाल दिया गया था आदम की वजह से, और अगर तेरी वजह से मेरा प्लान लीक हुआ ना तो तेरा क्या होगा मुझे पता नहीं है। तू टेंशन क्यों लेता है यार? खामखा हाँ? अच्छा सुन 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 बता 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 तेरे अपना जो काम है जो आंखों से हो गया है। अरे सॉरी 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 मैं उधर। अबे तू सोच, तू भूल गया है बहुत सारा पैसा, खतरनाक डाकू डाकू लूटिंग का समझा? ओ शिट यार। यार राहुल भाई इधर यार, अपन ये ऑब्री का आइडिया ड्रॉप नहीं कर सकते? अबे क्या हुआ? अबे तेरी बस, तुझे ले जाके ड्रॉप कर दूंगा समझा, चल रेडी हो जा। लेकिन ये प्लान ड्रॉप नहीं कर सकता। तू देख उसके पास अबे सामने कितना माल है। माल है बे। सही है ना एकदम? अबे अब क्या हुआ? हमने देख उसके पास कितना पैसा है। पैसा पैसा पैसा। आई लव यार सुनना, हम ये आइडिया ड्रॉप नहीं कर सकते क्या? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या गधे? तुझे मैं ड्रॉप कर दूंगा, गंगा में बहा दूंगा, लेकिन ये आइडिया मैं ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ समझा तू? अबे तू खतरनाक है समझा तू? तू बगदादी, बगदादी से भी खतरनाक है। टाइम देख, सिर्फ 3 मिनट में वहां पहुंचना है, क्या तू रेडी है? भाई तू बार बार फालतू बात बंद किया कर यार, हाँ बोलो ना आई एम रेडी। आई एम रेडी। अबे गन निकाल, गन निकाल। सॉरी यू एंजल, कोयला को जिंदगी जेल जाएगा। सब लोग अपनी अपनी सीट से फेविकोल की तरह चिपक जाइए, ये गन बिल्कुल असली है और जान तुम्हारी और ये गन है। मरवा दिया भाई तूने, मर गए हम। अबे किसने बोला था टाइम से पहले बंदूक निकालने को? अबे तू ही तो उंगली कर रहा था, बगदादी है तू, बगदादी है तू। अबे तो मर फिर बगदादी की तरह। तुझे बोला था ना मरवा दिया ना मुझको। सर 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 मैं एक सीधा साधा IIT इंजीनियर हूँ, इन निकम्मों के चक्कर में मैं भगा बन गया। अबे भाड़ में गया तेरा प्लान और भाड़ में गई तेरी लूटिंग। सर 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 मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अबे तेरी तो अगर तू बॉस है तो मैं तेरा भी बॉस हूँ। अभी उद्देश्य मिशन कंप्लीट, नोटों को लूट लो। जल्दी भर ना। अबे आगे मैदान और पीछे शैतान। अबे नहीं बच पाएंगे यार भाई। ओह माय गॉड डैड, ये वही तो है मेरा हीरो। मम्मा ये वही लड़का है। अरे तुमने पहले करी बता। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो मेरा दामाद बनने के लायक है। अरे उसे कोई लेके आओ, वो मेरा दामाद है, वो शेर है। तो मैं सवा शेर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं शेर हूँ, तो वो सवा शेर है। वाह 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 वाह, आओ मेरी बच्ची मेरी डॉली। राहुल भाई तुम्हारे गेम के चक्कर में लग गए। अबे यार लड़ाई तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ये मसला हम बाद में सुलझाएंगे। अभी यहाँ से भागो, निकलो, चलो जल्दी। अबे पकड़ से पकड़। अबे नहीं नहीं अबे पकड़।
जी मस्ताने निकले, ये इतने दीवाने निकले, इस टेढ़ी सी दुनिया को है तीनों धूल चटाने निकले। कारनामों की लिस्ट इनकी लंबी है, करते ये बातें बस सतरंगी है, ये कहते तो दुनिया गोल से सीधी हो, इनके ना होने से हर महफिल फीकी हो। बनते फिरते हो जैसे मुगले आजम, अपनी मर्जी करते हैं मुगले आजम, बनते फिरते हो जैसे मुगले आजम, अपनी मर्जी करते हैं मुगले आजम। Action talk, I know one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I spit about. Action talk, I know one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I spit about. लेकर घूमे बस ये मैं तीनों कौड़ी, कितनों की है तीनों ने किस्मत फोड़ी। लेकर घूमे बस ये मैं तीनों कौड़ी, कितनों की है तीनों ने किस्मत फोड़ी। कारनामों की लिस्ट इनकी लंबी है, करते ये बातें बस सतरंगी है, ये कहते तो दुनिया गोल से सीधी हो, इनके ना होने से हर महफिल फीकी हो। बनते फिरते हो जैसे मुगले आजम, अपनी मर्जी करते हैं मुगले आजम, बनते फिरते हो जैसे मुगले आजम, अपनी मर्जी करते हैं मुगले आजम। Action talk, I know one dot and sound. Make them know say that them can't get me out. Anything that them hear, I spit out.